मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है। संगीता जी, क्या सोच के वोट करके आई हैं? ये अपना अधिकार है और बहुत जरूरी है वोट देना। कैसी सरकार चाह रही है? सरकार ऐसी है जो देश का विकास कर रही है और सब गरीबों के लिए भी सोच रही है, सबके लिए सोच रही है। इसलिए तो किसी नए पे भरोसा या फिर पुराने लोगों पे? हमें तो पुराने पे ही है, पुराने पे जो अभी चल रही है सरकार उसी पे ज्यादा भरोसा है। क्या नाम है आपका? मैम, डॉक्टर अपूर्वा पांडे। तो डॉक्टर साहिबा, आप वोट करके आई हैं, तो क्या सोच रही होती आप? जी, डेवलपमेंट को देख के किया है, जो सरकार काम कर रही है, जैसे मेट्रो भी बन गई है, रोड्स बन गई हैं और काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है, उस बेसिस पर वोट किया है। कैसा लगा आपको वोट करके? और आप डॉक्टर हैं, चूंकि समाज में आपका नाम है, लोग जानते होंगे क्या अपील कर रहे हैं। जी, आप सारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी गुप्ता है। फर्स्ट टाइम वोट करके आई हैं? जी हाँ। कैसा लगा आपको वोट करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज लाइक एक्साइटिंग आल्सो, अच्छा था। क्या सोच के वोट किया आपने? वोटिंग, देखिए वोटिंग तो हमारा हक है, तो हमें अच्छा लीडर ऑब्वियसली चाहिए, तो सब कुछ करना चाहिए वोट तो इसलिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है एज अ सिटीजन, तो इसीलिए। आप अभी यंग हैं, फर्स्ट टाइम वोट करके आई हैं, कौन लीडर आप पसंद है? बेसिकली मैं तो मतलब बीजेपी के फेवर में हूँ, बाकी सबका अपना अपना वो है। बीजेपी क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और एज अ लाइक उन्होंने बोथ फॉर ओल्ड पीपल आल्सो एंड यंग पीपल दोनों को ही मतलब उन्होंने इक्वली पोजीशन दी है और इसलिए। मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या सोच के वोट करके आएंगे? आज सोच के आए इंडिया के लिए लीडर चुनना। किस लीडर को पसंद करती हैं? कौन सा लीडर चुन के आए हैं? सभी लोग एक ही को वोट फॉर वन पर्सन, मोदी जी। मोदी जी, मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? ही वाज टैलेंटेड पर्सन। टैलेंटेड है बहुत ज्यादा। यस, उन जैसा कोई है ही नहीं। उन जैसा कोई नहीं है। यस। ऋषिका गुप्ता। फर्स्ट टाइम वोट किया आपने? जी, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया। क्या सोच के आई थी वोट करने के लिए और कैसा लगा वोट? एक्चुअली मैं दो बार से मैं वोट नहीं दे पा रही हूँ, कभी रही नहीं हूँ कानपुर में ड्यू टू सम रीजंस, बट अभी इस बार वोट लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी बाहर है प्लीज आके वोट दे, बिकॉज एवरी वोट मैटर्स। आपका एक एक वोट जो भी हमारी कंट्री को लीड करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा एंड आई अर्ज एवरीवन, सबको वोट देना चाहिए। और जो भी डेवलपमेंट अभी तक जितना भी हम देख रहे हैं, वी होप कि आगे जाके वो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो एंड फीमेल प्रोटेक्शन के लिए जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या बनी हैं उनको कंटिन्यू करें, ताकि सारी जितनी भी महिलाएं हैं देश की वो सेफ फील करें और जा कहीं भी घूम सके बिना किसी मेल के साथ, क्योंकि ये बहुत ऐसा होता है कि क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो ये चीज़ मुझे फील होती है कि मैं खुलेआम लेट नाइट नहीं घूम सकती, बट अगर ये सब पॉलिसीज पे गवर्नमेंट वर्क करेगी तो हमें भी सेफ प्रोटेक्ट फील होगा, हमें नहीं चाहिए होगा कि कोई हमारे साथ घूमे, क्योंकि हम मेल फीमेल कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, सबको प्रोटेक्शन इक्वली मिलनी चाहिए। वी शुड फील सेफ एंड सिक्योर इन आर ओन कंट्री व्हाइल वी आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। थैंक यू। हमारा नाम है इंदिरा दुबे और वोट हमारे 70 साल से ऊपर की उम्र है। वोट करने आए? किसको वोट दे आई? अब ये थोड़े बताया जाता है। किस आधार पे वोट कराई? अब जो भी आधार है वो अपने आप मतलब होता है ना जी। किसके आधार? राष्ट्रीयता के आधार पे? किसके आधार? हाँ, तो राष्ट्रीयता के आधार पे करा जाएगा और किसके आधार पे? जब वोट है तो वोट राष्ट्रीयता के आधार पे बताना, लेकिन अपना वोट करना है इसलिए जो है राष्ट्रीयता के आधार पे दे दिया। सर, क्या नाम है आपका और किस आधार पे आज आप वोट करके आए? मेरा नाम रवाकांत दुबे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज मैंने राष्ट्रीयता के आधार पर, देश के विकास के आधार पर वोट दिया है। किसी नए को मौका देने जा रहे हैं या फिर पुरानी सरकार? नहीं नहीं, पुरानी सरकारें पे मौका वो कर रहे हैं, क्योंकि देश में विकास कर रहा है, जो धारा 370 हटाई गई है, इसलिए हम इसी पुरानी सरकार को रिपीट करने के लिए वोट दे रहा हूँ। सर, आप भी वोट डाल के आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय नैयर है जी। और सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में खड़े होकर इस जनमत की बात सुन रहे हैं और अपने तक देश तक पहुंचा रहे हैं। बाकी मैं आज जो वोट करके आया हूं वो आज अपने देश के पक्ष में वोट करके आया हूं और मोदी जी को वोट करके आया हूं, और इस बार मेरा मानना है कि 400 पार होगा। 400 पार होगा? हाँ, क्योंकि देश विकास की ओर जा रहा है। आप देखिए कि मोदी जी ने जो पब्लिक के लिए किया है वो बहुत बढ़िया काम किए हैं।
चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। धारा 370 ख़त्म करना, सबसे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व करना बिना लड़ाई झगड़े के, तो मेरे हिसाब से मोदी जी बहुत आगे जाएंगे और इस बार 400 पार 101% होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा रोज़गार, वो कह रहे थे 2 करोड़ देंगे हर साल, ये सब चीज़ें नहीं, 15 लाख रुपए भी नहीं आए। देखिए रोज़गार जो आप कह रहे हैं, तो रोज़गार के लिए आप देखिए रोज़गार कहाँ नहीं है। अब इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, हम लोग जनसंख्या में हम दो हमारे दो चला रहे हैं, अब हम दो हमारे दो भी नहीं, हमारा एक और दूसरी कास्ट में देखिए तो लगातार 8-8, 10-10 है, तो रोज़गार कहाँ तक। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बाकी आम आप रोज़ बाज़ार में जाइए ठेकों पर लाइन लगी है, कहाँ महंगाई है, ठेकों पर रोज़ लाइन लगी है। मॉल में आप चले जाइए वहाँ रोज़ लोग ख़रीदार पहुँच रहे हैं, कहाँ महंगाई, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। पब्लिक निकल रही है बाहर, ख़रीदारी कर रही है, कोई किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत है भी तो देश के ऊपर अगर थोड़ा बहुत हम लोग को महंगाई भी झेलनी पड़े तो कोई बात नहीं, देश हमारा प्रगति पे है, कोई दिक्कत नहीं।